हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय डिजिटल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेल मेक योर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में मैं गाइड करूंगा आपको बीम के प्रोफाइल्स के बारे में, फुल डिटेल करूंगा बीम के प्रोफाइल में कौन कौन सी प्रोफाइल्स आप जिसमें आज जा सकते हो, साथ ही साथ किस में बेहतरीन पैकेज मिल सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। बीम यानी बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, काफी दिन से मैं आपको बीम के बारे में बताता आया हूँ। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वो सारा कंस्ट्रक्शन कर लेना जो कि ऑन साइट आप करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड बीम, राइट। अब इस बीम के अंदर बहुत ढेर सारी लोग, प्रोफाइल वाले लोग काम करते हैं। टेक्ला में जो लोगों ने लेक्चर लिया होगा उनको मैंने बता रखा है क्लास वन में, बीम वालों को भी, मतलब जो बीम के कोर्स किए होंगे उनको भी बता रखा है। आपको बताता हूँ कि बीम के प्रोफाइल में कौन कौन जा सकता है, मतलब कौन कौन सी अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। गाइस, बीम की जो सबसे बेसिक प्रोफाइल होती है वो बीम्स ड्राफ्टमैन की होती है। किसकी होती है? बीम ड्राफ्टमैन की होती है। अब बीम ड्राफ्टमैन क्या होता है, ये सबसे ईजी प्रोफाइल होता है। इसके लिए कई ढेर सारी कंपनियां ऑटोकैड पर काम करती है, कई ढेर सारी कंपनियां रैबिट के ऊपर भी ड्राफ्टिंग करती है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके इंजीनियर ने आपको बता दिया कि इस तरीके से ड्रॉ करके दे दो, वो ड्रॉ करके आपको सबमिट करना होता है, दैट इज बीम ड्राफ्टमैन। अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो ये कीवर्ड्स बहुत हेल्प करेगा। आप जस्ट सर्च करना बीम ड्राफ्टमैन जॉब XYZ, जो भी आपकी सिटी हो, ठीक है, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, जहां पे भी आप हो वहां पर डालना बीम ड्राफ्टमैन जॉब। आपको इजिली गूगल के माध्यम से पता चल जाएगा कहां पर ओपनिंग चल रही है बीम इसमें ड्राफ्टमैन में। चलिए गाइस, दूसरा जो प्रोफाइल है जिसमें काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है बीम ड्राफ्टमैन के बाद अगर देखें तो, वो है बीम मॉड्यूलर। कई जगहों पे बोलेंगे 3D मॉड्यूलर, बोथ आर सेम, बीम मॉड्यूलर या फिर 3D मॉड्यूलर, जिसके लिए गाइस रैबिट आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रैबिट आर्किटेक्चर, और साथ ही साथ कोई एक रेंडर का प्लगइन लाइक वीरे है, लाइक इनस्केप है, कोई भी एक रेंडर जिससे कि आप बेहतरीन व्यू दिखा सको। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई? सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से रैबिट आना चाहिए। रैबिट में भी, रैबिट की जो लाइब्रेरी, फैमिली वाली जो क्रिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कुछ भी आपको ड्रॉ करना हुआ, किसी भी तरीके का पल्लिन ड्रॉ करना हुआ, किसी भी तरीके कोई भी व्यू ऐसा शेयर करना हुआ, तो आपको अगर रैबिट फैमिली का, उसमें से पैरामेट्रिक फैमिली का अच्छा नॉलेज कंपलसरी है, नॉन पैरामेट्रिक का तो आपको हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप दूसरी प्रोफाइल सर्च करो बीम में कौन से जिसमें हम जा सकते हैं, तो आपको अगर स्केचअप आता है या फिर रैबिट आता है या फिर दोनों आता है, आप अप्लाई कर दो। किसके लिए? बीम्स मॉड्यूलर के लिए या फिर 3D मॉड्यूलर के लिए। तो तीन प्रोफाइल हो गई, 3D मॉड्यूलर, बीम मॉड्यूलर, बीम ड्राफ्टमैन, करेक्ट। चलिए चौथी जो प्रोफाइल होती है जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, सिविल वालों को भी मिलता है बट कम मिलता है, ठीक है, MEP इंजीनियर। किसके लिए मिलती है? रैबिट MEP इंजीनियर के लिए मिलती है, या फिर प्लंबिंग इंजीनियर नाम से मिलेगा आपको प्रोफाइल, या फिर इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग नाम से, बट रैबिट MEP का उसमें रोल रहेगा। इसमें मैक्सिमम जो MNCs होंगी वो हायर करती हैं स्पेशली मैकेनिकल और इंजीनियर वालों को, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वो एक ही इंजीनियर से सारे काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप हायर कर सकते हैं। किसको हायर कर सकते हैं? सिविल इंजीनियर को भी हायर कर सकते हैं, तो जिसको रैबिट MEP पर काम करना होता है। क्लियर है जी, ये चौथी प्रोफाइल है। पांचवी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रक्चरल डिटेलर की होती है। किसकी होती है? स्ट्रक्चरल डिटेलर की, जिसमें से 3D लिखा भी लिखा रहेगा, 3D स्ट्रक्चरल डिटेलर या फिर स्ट्रक्चरल डिटेलर, आपको सर्च करना है इस पे जो आप की, ये कीवर्ड जो मैं डाल रहा हूँ गूगल पे डाल दीजिए, स्ट्रक्चरल डिटेलर या फिर बीम स्ट्रक्चरल डिटेलर या फिर 3D स्ट्रक्चरल डिटेलर, मेन उद्देश्य स्ट्रक्चरल डिटेलर की। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है रैबिट स्ट्रक्चर की और रैबिट स्ट्रक्चर की फैमिली की। अच्छे से रैबिट स्ट्रक्चर की फैमिली क्रिएट करना आपको आना चाहिए, प्लस रैबिट स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, और आपको उसके साथ ही साथ BBS का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप आराम से जा सकते हो। ये आपकी कौन सी प्रोफाइल हो गई? ये पांचवी प्रोफाइल हो गई, जिसके ऊपर आप फटाफट अप्लाई कर सकते हो, क्या? स्ट्रक्चरल डिटेलर की। चलिए अब जो छठवीं जो प्रोफाइल होती है बीम के अंदर वो होती है 4D एनिमेटर की। किसकी होती है? 4D एनिमेटर की। ये 4D एनिमेटर क्या करता है भाई? नेविस्वर सुना है? यस, तो नेविस्वर जो काम करता है वो 4D एनिमेटर के ऊपर होता है, उसी को बोलते हैं 4D एनिमेटर। कुछ दिन पहले मैंने एक सिंक्रो करके सॉफ्टवेयर होता है उस पर भी सॉफ्टवेयर बनाया था वीडियो, सेम काम वो भी करता है। तो 4D एनिमेटर की जॉब आपको मिलेगी, आप सर्च करो 4D एनिमेटर, आगे नेविस्वर डाल सकते हो, या फिर आप देखोगे ओपनिंग्स रहेगी, इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा नेविस्वर की। क्लियर है? तो ये आपका छठवां प्रोफाइल है जिसके लिए आप जा सकते हो। 4D एनिमेटर को एक अच्छी सैलरी भी मिलती है।
ठीक है। अब एक होता है बीम कोऑर्डिनेटर की, ठीक है, ये तो हो गए छह प्रोफाइल ऐसे। अब बीम कोऑर्डिनेटर की, बीम कोऑर्डिनेटर क्या करता है, वो रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी तीनों का काम को मर्ज करवाता है, तीनों के काम को कोऑर्डिनेट करता है, सर्वर के माध्यम से देखता है, उसमें सर्वर बनाया जाता है, आपको सबको पढ़ता होगा। बीम 360 सुना है ना आप लोगों ने, बीम 360 के तरह के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को, फिर उनको सिंक्रनाइज करके देखता है बीम कोऑर्डिनेटर, और वो देखता है कि भाई कौन कितना काम कर रहा है, किसको कितना काम असाइन करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प भी करता है। तो बीम कोऑर्डिनेटर को भी एक अच्छी सैलरी मिलती है, और वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद उसकी प्रोफाइल उसको मिल जाती है। छोटी कंपनियां तुरंत ही दे देती हैं, बड़ी कंपनियां तब देती हैं जब उनको थोड़े थोड़े काम उसके बारे में आती रहती है। चलिए ये सातवीं प्रोफाइल हो गई बीम में। सोचो कितनी जॉब होती है बीम के अंदर, अभी खत्म नहीं हुई, ठीक है। एक होता है गाइस बीम मैनेजर का, किसका होता है, बीम मैनेजर का। तो बीम मैनेजर के जो ओपनिंग्स होती है उसके लिए रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी और नेविसवर्क, और साथ ही साथ या तो 3ds Max या फिर टेक्ला का नॉलेज कंपलसरी होता है, ठीक है, सॉरी रैबिट स्ट्रक्चर या फिर टेक्ला का नॉलेज कंपलसरी होता है। ऐसा अगर कोई बंदा है जिसको ये सारी प्रोफाइल्स आ रही है तो उसको बीम मैनेजर की प्रोफाइल असाइन की जाती है, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि सिविल इंजीनियर ही बीम इंजीनियर बनता है, सॉरी बीम मैनेजर बनता है लास्ट में, और इसकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है बीम मैनेजर की, क्योंकि वो सारे काम को चेक करता है, और सारे काम को चेक करने के बाद आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये भी आठवीं आपकी प्रोफाइल हो गई बीम मैनेजर की। नवी प्रोफाइल अगर बोलूं तो अभी एक नया प्रोफाइल आ गया है 3D रिबार डिटेलर का, किसका, 3D रिबार डिटेलर के लिए। छोटी कंपनियां अभी भी उस पर रैबिट स्ट्रक्चर पे काम करवा रही है रैबिट डिटेलर, रिबार डिटेलर की। बड़ी जो कंपनियां वो टेक्ला प्रीफर कर रही हैं, किसको प्रीफर कर रही है भाई, टेक्ला को प्रीफर कर रही हैं। टेक्ला के अंदर सारा का सारा बीम का पूरा काम हो जाता है, मतलब कि जो डिटेलिंग का रिबार डिटेलिंग का काम है सारा का सारा हो जाता है। तो ये नवी प्रोफाइल है 3D रीबार डिटेलर, या फिर टेक्ला मॉड्यूलर, ऐसा भी ओपनिंग्स आ चुका है, या फिर टेक्ला डिटेलर। तो एक्चुअली तीन प्रोफाइल है, टेक्ला डिटेलर, टेक्ला मॉड्यूलर, और साथ ही साथ टेक्ला 3D रीबार डिटेलर। और अभी एक और प्रोफाइल धीरे धीरे नया रोल में आने वाली है, वो कौन सी है, वो है टेक्ला एडिटर। किसकी, टेक्ला एडिटर की, ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डाटा को एडिट करके देखता है, कि क्रॉस चेक करता है कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, उसको करता है। टेक्ला रिबार चेकर की भी होती है, बट ये बहुत कम प्रोफाइल्स होती हैं कंपनीज में। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट होती है वो ऐसे लोगों के लिए जिसको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, उसको केवल क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कर सकता है, वो भी बीम की ही एक प्रोफाइल है। तो लगभग 10 ऐसी प्रोफाइल्स हैं टेक्ला के अंदर, सॉरी बीम के अंदर, जिसमें आप जा सकते हो, जिसके माध्यम से आप अच्छा सैलरी बना सकते हो, बिना किसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के आप अच्छा सैलरी ग्रोथ ले सकते हो। अब इन सब का एक एवरेज बता देता हूँ आपको, 15,000 रुपये से इनकी जॉब स्टार्ट होती है, और अगर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप 60,000 प्लस पहुंच जाते हो, कितना, 60,000 के ऊपर पहुंच जाते हो 5 साल के बाद, ठीक है जी। अब वो सबकी अपनी काबिलियत है, जिसने अपग्रेड कर डाला अपने आप को पूरी तरीके से, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमईपी, नेविसवर्क, टेक्ला, 3ds Max, स्केचअप, सब अपडेट करता चला गया, वो हो सकता है 70-80 पहुंच जाए, जो केवल नॉर्मल चीजें जो कंपनी ने बोला था बस उतना करने का इष्टतम स्ट्रेट, तो हो सकता है वो 40-50 पर रहे, बट 50 तक आराम से आप पहुंच जाओगे। बीम की प्रोफाइल आगे बहुत बूम करने वाली है। अभी आपने देखा सिर्फ टेक्ला के ऊपर कितनी प्रोफाइल्स निकल रही है, टेक्ला चेकर हो रहा है, और टेक्ला डिटेलर, टेक्ला एडिटर, टेक्ला मॉड्यूलर, सोचो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर इतनी प्रोफाइल्स, तो बीम पूरा मर्ज करोगे तो कितना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। ये थी मेरी कोशिश कि आप सबको अवेयर करूं कि बीम के अंदर कितनी ढेर सारी प्रोफाइल्स होती हैं, जिनके अंदर हम जाके अपना एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यार थोड़ा शेयर किया करो, शेयर करने से फायदा ये होता है कि हमें अप्रिसिएशन मिलता है हमें। मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि अभी शेयर लोग कम कर रहे हैं, रीज़न पता नहीं है, हो सकता है क्या बोलूं, पता नहीं, जो भी हो, अगर मेरे वीडियोस अच्छे आ रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसे हैं। प्लस ये जो नॉलेज है, शायद इस तरह का नॉलेज मुझे नहीं लगता सिविल इंजीनियर के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।